हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, यदि अभी कोई भी व्यक्ति दरभंगा से पटना जाना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग। रेल मार्ग में अभी जो ट्रेनें हैं वो काफ़ी कम संख्या में चल रही है, जिस कारण से अधिकतर लोग बस से ही जाते हैं और बस सुरक्षित यात्रा का साधन नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना आज से लगभग 3 दिन पहले यानी कि रविवार की रात में हुई दोस्तों, जहां पे एक बस पूर्णिया से वाया दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए पटना को जा रही थी। दोस्तों, जब ये बस दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच में NH 57 पे भराठी चौक के पास पहुंचती है, तब इस बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण से यहाँ पे ड्राइवर का बस पर से संतुलन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और बस की शुरुआत में एक टक्कर होती है पेड़ से। लेकिन दोस्तों, पेड़ से टक्कर होने के बाद बस और भी असंतुलित हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर बस पलट जाती है। और जैसे ही बस पलटती है वहाँ पर चीख पुकार मच जाती है, जैसे चीख पुकार होती है वहां पे आसपास के लोग पहुंचते हैं और फिर वहां पे रेस्क्यू का काम चालू होता है। दोस्तों, इस रेस्क्यू मिशन के दौरान यहां पे पाया जाता है कि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके होते हैं, जिन्हें पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जो बाकी के लोग रहते हैं वह अन्य साधनों से पटना की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस घटना के बारे में पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।